أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمين وانتشت روحي وفؤادي. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी बहन थी, ये भी हज़रत हलीमा के गोद में पलती थी और आपके साथ अपना वक्त गुजारती थी। अब उसके बाद मुद्दत हुई, आका की नबूवत का इजहार हुआ और ज़हूर नबूवत के बाद आपकी हिजरत हुई और 13 साल मक्के की जिंदगी के बाद आप मदीने को चले गए। इधर लोगों ने हजरत शीमा से पूछा कि शीमा, तुम्हारा एक दूसरी भाई था और उनका नाम मोहम्मद इबन अब्दुल्ला था, तुम्हें याद भी है? उसने कहा कि खूब याद है, हम बचपन में हलीमा के गोद में खेला करते थे और एक दूसरे से अपना दिल बहराया करते थे। फरमाया, तुम्हें पता है कि अब वो मदीने में है और उन्होंने नबूवत का दावा किया है और लोग उनके करीब आते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और अब तो उनकी बात दुनिया में इतनी फैल रही है कि बड़े बड़े वक्त के सरदारों के नुमाइंदे उनके पास आते हैं, इलाकों के बादशाह उनसे मिलने के लिए आते हैं, बड़े बड़े कासिद और सफीर उनके कदमों में बैठते हैं। तुझे भी कभी अंदाजा हुआ कि तू अपने भाई को से मुलाकात करे और देखे कि वो तुझे पहचानता भी है या नहीं पहचानता है? शीमा कहती है, मेरे दिल में गुदगुदाहट पैदा हुई और मेरा जी चाहा कि चलो अपने भाई से एक मुलाकात तो करूं, जिनके इतने चर्चे सुन रही हूँ, तस्करे मेरे कानों में पड़ रहे हैं। जब मैंने जाने का इरादा किया तो एक टोली औरतों की तैयार हुई, मेरे सहेलियों की। उन्होंने कहा कि शीमा, अगर तुम जा रही हो तो हम भी तुम्हारे साथ मदीने को चलेंगे और वहां के माहौल को देखेंगे और तुम्हारे सफर के साथी बनेंगे। कहती है कि मैं अपने सहेलियों को लेकर मदीने तैयबा ऊँटों का काफिला तैयार किया और सफर किया और जब मदीने तैयबा की सरहद पर पहुंचे तो सहाबे कराम का वो तबका जो गश्त कर रहा था और मदीने के हुदूद की हिफाजत कर रहा था, उन्होंने देखा कि कुछ अजनबी औरतें हैं और उनका लिबास भी मदीने तैयबा के लिबास से जुदागाना है और वो चले आ रहे हैं। तो इन्होंने काफिले को रोका और पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और किससे मिलने के लिए आए हो? तो वह औरतें घबरा गईं, लेकिन शीमा उनमें बेबाक खातून थी। उसने आगे आवाज़ बुलंद कहा कि दूर हट जाओ और हमसे कुछ मत पूछो और जाओ और अपने नबी से कहना कि तुम्हारी बहन शीमा तुमसे मिलने के लिए आई है। साहबा हैरत में पड़ गए कि हमारे आका की कोई बहन है और वो मक्के में रहती है और वो अपने नबी से मिलने के लिए, अपने भाई से मिलने के लिए आई है, लेकिन अदब के मारे उन्होंने शीमा के काफिले को कुछ नहीं पूछा, पीछे हट गए और सीधे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आए और कहा, अल्लाह के नबी, ऐसे ऐसे औरतों का काफिला आया है, हमने उन्हें रोका और पूछा और जानना चाहा कि तुम कौन हो? तो ये खातून उनमें बेबाक है। उसने बावा जबर कहा कि दूर हट जाओ और हमसे कुछ मत पूछो, अपने नबी से जाके कह दो कि तुम्हारी बहन शीमा तुमसे मिलने के लिए आई है, अगर वो इजाजत दे तो हम आ रहे हैं वरना हम पलट जाएंगे। ये सुनते ही साहबा कहते हैं कि आका बेताब हो गए, चेहरा बेचैन हो गया, आंखों में आंसू मोहब्बत से चमकने लगे। फरमा, बेशक बेशक वो मेरी बहन है, उसे पूरे इकराम के साथ लाओ और कोई दिल आजारी का मामला मत होने दो और जाओ और उनको एहतमाम से लाओ। अब वो साहबा का काफिला गया उस औरतों की के उस आने वाली जमात को और लाने के लिए। इधर आपने फरमाया कि मस्जिद नबी के सहन को साफ करो, इसे झाड़ू दे दो और अपने घर वालों से कहा कि जो अच्छी चादरें हैं भेज दो ताकि मैं अपने बहन का इस्तकबाल करूं और उसके साथ इकराम का मामला करूं। हज़रत शीमा कहती है, जब हम पहुंचे तो मस्जिद नबी के सहन के करीब तो मैंने देखा कि आका से मोहब्बत करने वालों का ऐसी मोहब्बत है कि दुनिया में कभी ऐसी मोहब्बत को सोचा भी नहीं जा सकता और देखा भी नहीं जा सकता। आका एक तरफ देखते हैं तो साहबा आपके चेहरे अनवर को देखते हैं, जब आका उनकी तरफ पलटते हैं तो अदब से निगाहें गिर जाती हैं और आंखें झुक जाती हैं, वो अपने नबी से आंख में आंख मिलाने को तैयार नहीं है। ऐसी अदब का नमूना साहबे कराम ने दिया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जब साहबा से लोग पूछते क्या आका का हुलिया मुबारक बयान करो तो एक बड़ा तबका था
जो जिनकी चीखें निकल जाती थी और रो के उनका बदन कांप जाता था और कहते थे कि अपने नबी की अजमत में कभी जी भर के देखने का मौका नहीं मिला। तो हम कहां से आका का हुलिया बयान कर सकें। ये तो अबू बकर उमर का मकाम था जो आका के करीब बैठते थे और आका के चेहरे अनवर के फैज से गोया बिर्रास इस्तेफादा करते थे, वरना हमारे में मजाल भी नहीं थी। जब आका किसी और तरफ देखते तो हम दबी आंखों से आपको देख लेते, जब आका हमारी तरफ मुतवज्जे होते तो अदब से हमारी निगाहें झुक जाया करती थी। अब ये मंजर सीमा देख रही है कि ओहो मोहब्बत के ऐसे मनाजिर होते हैं, और मेरे भाई का इतना ऊंचा मकाम है कि बड़े बड़े सफीर और कासिद बैठे हैं और इलाकों के सरदार बैठे हैं और अदब के मारे उनके बदन में हरकत भी नहीं हो रही है। अगर आप कुछ पूछते तो जवाब देते हैं, फिर अपनी जगह खामोश होते हैं। तो फरमाया मेरे भाई का रोब मुझ पर पड़ने लगा और दबदबे से मेरी तबीयत में एक किस्म की हैबत होने लगी। आपने जो मुझे आते हुए देखा तो खड़े हो गए अपनी जगह पे और फरमाया मेरी बहन शीमा आजा मेरे करीब आजा, अरसे से मैं तुझे याद करता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कि तू कहाँ पर थी, अल्लाह ने तुझे भेज दिया, आपने भाई की आंखों को ठंडा कर दे। मैं घबराते हुए आगे बढ़ने लगी। फरमाया कि शीमा अपनी सहेलियों को इस चादरों पर बिठा दे और तू मेरे पड़ोस में आ जा। मैं डरते डरते आपके करीब आई, जब करीब पहुंची तो आपके जिसमें मुबारक पे चादर मुबारक पड़ी थी, आपने तेजी से उस चादर को खींचा और फैला के फरमाया शीमा नीचे मत बैठना, इस चादर पे बैठ जाना। तो मेरी चीख निकल गई, मैंने कहा आपा आप तो मेरे भाई हैं लेकिन आपके तकद्दस और आपके आपकी बुजुर्गी को देखकर मेरा दिल वैसे ही हैबत से लर्जा बांधाम है और मुझ में कैसी जुरात कि वो चादर जो आपके जिसमें मुबारक पे पड़ी हो मैं उस पर कैसे अपने कदम रखूं। आपने फरमाया शीमा तू मेरी बहन है, मुद्दतों के बाद अल्लाह ने मुझे तुझसे मिलाया है, अपने भाई के दिल को ठंडा कर दे और मेरी तमन्ना को पूरी कर दे, आजा आजा मैं इसमें तुझे बैठा हुआ देखना चाहता हूँ। शीमा कहती है मैंने भाई के मुतालिबे को पूरा किया लेकिन मेरा बदन उनकी हैबत से कांप रहा था और मेरा जिस्म लरज रहा था। आपने फरमाया शीमा याद करो उस जमाने को जबकि हलीमा के गोद में तुम और हम खेला करते थे, तुम दूर तक जाते थे मेरी मोहब्बत में दौड़े हुए आते थे कि मैं सलामत हूँ या मुझे किसी जानवर ने पकड़ तो नहीं लिया, मुझसे खेलते थे और दिल बहलाते थे। शीमा तुम्हें याद है एक मर्तबा मोहब्बत में तुमने मेरे कोहनी के ऊपर और मोहंडे के नीचे मेरे हिस्से को तुमने इस बदन के तुमने अपने दांतों से कतरा था, आज तक वो दांतों के निशान मौजूद हैं। जब तुम याद आते हैं तो मैं उससे प्यार करके तुम्हारी मोहब्बत की तस्कीन का सामान करता हूँ। शीमा कहती है मेरा कलीजा पिघलने लगा और मेरा दिल बेकरार हो गया कि कैसा मोहब्बत वाला भाई है कि इन मशागिल के बीच में वो मेरी मोहब्बतों को याद करता है और मेरा इतना ख्याल करता है। शीमा कहती है कि आका के अखलाक को देखकर उनकी मोहब्बतों के नजारों को देखकर मेरा दिल इतना पिघला कि मैंने कहा कि आई तो थी मैं अपने भाई से मिलने के लिए और इब्ने अब्दुल्ला को देखने के लिए लेकिन दिल बेकरार है बाप को मोहम्मद रसूलुल्लाह पुकारने के लिए, आप वो ईमान का कलमा मुझे भी पढ़ा लीजिए और अपनी गुलामी में मुझको भी दाखिल कर लीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया और उनको ईमान का कलमा पढ़ाया। आप खुशी के मारे आपकी आंखों से आंसू टपक गए। आपने फरमाया मौला आप कैसे करीब हैं कि आपने अपने नबी की मोहब्बत में उसकी बहन को खींचे खींचे पहुंचा दिया और उसे जहन्नम से बचने के असबाब दे दिए और उसे जन्नत का हकदार बना दिया। शीमा कहती है कि आका की उस मोहब्बत से मेरा दिल पिघलने लगा। आपने फरमाया मेरी बहन अगर तू रहना चाहे तो मैं मदीने में तेरे लिए कोई ठिकाना बना दूं और तेरे लिए कोई घर का इंतजाम कर दूं और अगर जाना जरूरी है तो मद्रास से मैं तेरे लिए सफर का इंतजाम कर दूं। शीमा कहती है मैं हिचकियों और सिसकियों में थी, मैंने कहा कि मेरे भाई ऐसी मोहब्बतों के बाद मैं आपके कदमों को छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ, आप अल्लाह के नबी हैं और मैं आपकी बांदी हूँ लेकिन मैं आपने वो कलमा मुझको पढ़ाया है कि अब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने कबीले वालों को जहन्नम की आग से बचाऊं और मैं मक्के की औरतों को हक का पैगाम सुनाऊं, अगर जिंदगी बचेगी तो फिर आपके कदमों में आऊंगी वरना आपके पैगाम हक को लेकर मैं मक्के को जाने के लिए बेचैन हूँ। आका ने फरमाया ठीक है, साहबा ने फरमाया अच्छे ऊँटों में से एक ऊँट का इंतखाब करो, फिर आप ही ने उस इंतखाब का अपनी निगाहों से किया, उस ऊँटनी को लाया अपने हाथों से उसका कजावा कसा और उसके रिकाब डाले और फरमाया कि शीमा इसके ऊपर बैठ जा। जब शीमा को बैठने में तकल्लु हुआ तो फरमाया बहन इसमें तुझे तकलीफ होगी, मैं बैठ जाता हूँ
तू मेरे कांधों पर पैर रखकर इसके ऊपर चढ़ जा। शिमा की चीख निकल गई। उसने कहा आका इतनी बड़ी गुस्ताखी मैं कहां से करूं कि आपके मुबारक कांधों पर और ये गुनाहगार कदम कैसे पड़ेंगे। फरमाया शिमा तुम मेरी बहन हो, अपने भाई के दिल को ठंडा करो, पता नहीं फिर यहां मिलोगी या आखिरत में मिलोगी। कम अज कम मुझे सुकून तो होगा कि मैंने अपने बहन के साथ कुछ सुलूक किया, कुछ मोहब्बत का मामला किया। आपने मोहब्बत के साथ अपने कांधों पर बिठा कर उनको ऊंट की पीठ पर सवार करवाया और जब वो ऊंट की पीठ पर बैठ गए तो फरमाया कि आपने आवाज लगाई और घराने नबूवत में ऐलान किया कि जो चीज तुम्हें महबूब है और जो तुम देना पसंद करती हो लाओ ताकि मैं अपने बहन को हदीये में दे दूं। इतने हदाये दिए कि ऊंटनी की पूरी पीठ हदाये से लद गई और तहाइफ से भर गई। और फिर उसके बाद आपने ऊंटनी की नुकेल पकड़ी और मुझे इस्लाम की बातें समझाना शुरू की और जब ऊंटनी को लेकर चलने लगे शिमा कहती है फिर मेरी चीख निकली। मैंने कहा या नबी अल्लाह आप ठहर जाइए और मुझे रुख्सत कर दीजिए और अगर आप चलने का इरादा करते हैं तो मैं उतर जाती हूँ और आप बैठ जाइए। फरमाया मेरी बहन बैठे रहियो, अपने नबी को जी भर कर अपने भाई को देख लेने दो और अपनी आंखों को ठंडा करने का मौका दो। मुझे उतरने नहीं दिया, यहाँ तक कि मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा तक 3 मील का रास्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल चलकर और अपनी बहन को ऊंटनी पर सवार कराकर उनको रुख्सत किया और वहां से फिर वो आगे बढ़ी। कहती है कि मैं बिल्कुल बेताब और बेकरार चली। जब मक्के में दाखिल हुई तो मुझको औरतों ने घेर लिया कि दिन बहुत हो गए, तौकों से ज्यादा हो गए, हम डर रहे थे कि तुम किसी हादसे का शिकार हो गए या नबी की मोहब्बत में तुम वहीं ठहर गए, पहले ये बताओ कि तुमने अपने भाई को कैसे पाया। शिमा कहती है कि मेरी चीखें निकल गई और मैंने कहा मैं कसम खा के कहती हूँ जमीन की आंखों ने और आसमान के साये ने आज तक ऐसे भाई को नहीं देखा होगा जैसा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। उनके अखलाक, उनकी मोहब्बत, उनकी बेकरारी, उनकी बेताबी ऐसी रही और उन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया। शिमा कहती हैं मैंने जब आका के औसाफ बयान किए और उनका तस्करा किया तो ऊंटनी से उतरने से पहले पहले 70 औरतें इस्लाम में दाखिल हो गई और उन्होंने ईमान का कलमा पढ़ा। फिर जब मैं अपने कबीले में पहुंची लोग मुंतजिर थे, मैंने दीन का पैगाम पहुंचाया, आखिरत की तफसील बताई, आका की बेकरारियां सुनाई तो 300 घराने इस्लाम में दाखिल हुए। इसकी इत्तला मदीने को पहुंची तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार हो गए और आपके आंसू बेख्तियार बह पड़े। आपने फरमाया मौला आपने कितनों को जहन्नम से बचने का सामान फरमाया।